फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बेबोस किचन स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? मैं तो एकदम से ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 8। अभी जस्ट मैं हाफ एन आवर पहले उठी थी, 7:30 बजे उठ के मैंने अपना जो जीरा वाटर जो मेरी ड्रिंक रहती है वो पीती हूँ मैं, वो मैंने ले ली। उसके बाद फ्रेश हुई, ब्रश किया, तो अभी मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ। और अभी बस चाय बन रही है। मॉर्निंग में ना हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि मेरे को एक कप चाय का तो पिला ही देते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने ना आज हेयर पे अपने ऑयलिंग की हुई है, साइड ब्रेड की हुई है। एक्चुअली कल रात को ना मेरा थोड़ा हेडेक हो रहा था, पहले तो थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था मेरा इवनिंग से, फिर रात को ना एकदम से इतना ज्यादा होने लग गया ना, मैंने सोचा कि चलो ऑयलिंग करते हैं। मेरी काफी टाइम से ना बस ड्यू चल रही थी कि ऑयलिंग ना मैं करूँ हेयर पे, तो मैंने कल फिर रात को ना जैसे हेडेक हुआ तो मुझे फिर लगा कि ये तो मेरे लिए अब मस्ट ही है, तो मैंने करी। तो अब बस फिर मेरे को थोड़ा टैबलेट वगैरह लेनी पड़ी, वो मैंने ले ली। और अभी बस उठते ही मेरे को था कि मैं चाय पी लूँ। बस चाय पीने से भी कई बार हो जाता है ना कि हेडेक ठीक हो जाता है, जो लोग कैफीन एडिक्टेड होते हैं। तो अभी बस चाय पीती हूँ। कल रात को ना मैंने स्मूदी पी थी, बनाना स्मूदी। जैसे कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी वेट लॉस वाली, उसमें मैंने अपनी स्मूदी, मैंगो स्मूदी की रेसिपी शेयर की थी। तो मैं भी आजकल ना वेट लॉस जर्नी पर हूँ। डिनर में हम लोग ना बस स्मूदीज वगैरह लाइट ही करते हैं, जिससे कि थोड़ा लगे कि हाँ वेट लॉस हो रहा है। तो उससे क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे ना फिर थोड़ी भूख लग जाती है। तो अभी मैं अपनी चाय के साथ ना 2 बिस्किट इंजॉय करूंगी, जिससे कि अब थोड़ी सी मेरी भूख ना कम हो जाएगी। इसके बाद फिर मैं अपना अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, और वो भी अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या बना रही हूँ। अभी मैं आपको ना अपने घर के कुछ प्लांट्स दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं। इतनी अच्छी फील आती है इनको देखकर। और ये देखिए, सबसे पहले ये मेरा है जेड प्लांट। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा था और ये इतना अच्छा ग्रो कर गया है ना कि देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये जो प्लांट है ना, ये बहुत ही ज्यादा ना इसकी ऑसम प्रॉपर्टीज हैं। ये ना सबसे पहले तो घर को ना पॉजिटिविटी देता है, और ये ना अच्छा गुड लक का भी ये साइन होता है अगर ये अच्छे से आपके घर में ग्रो कर जाए तो। ये तो मैंने अपने घर में ना मस्ट रखा ही हुआ है। ये वाला जो प्लांट है ना, ये लिली का प्लांट है। इसमें ना बड़े सुंदर से ना वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, और उसकी जो फ्रेग्रेंस रहती है ना वो इतनी अच्छी होती है ना। और ये मैंने ना अपने जस्ट रूम की ये जो विंडो है इसके बाहर रखा हुआ है। जैसे ही मैं मॉर्निंग में ना अपनी खिड़की खोलती हूँ रूम की, तो इन फ्लावर्स की जो फ्रेग्रेंस है ना वो अंदर रूम तक आती है, जो कि मुझे ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और ये वाला जो प्लांट है ना, ये एलोवेरा का है। आपको तो एलोवेरा का पता ही है इसकी कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं। ये हेयर के लिए कितना अच्छा है, स्किन के लिए कितना अच्छा है। इसका जेल निकाल के ना इसको पील करके आप डायरेक्टली अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है स्किन के लिए। हेयर पर लगा सकते हो इसका जो पल्प रहता है। और ये वाला जो प्लांट है, इसके फ्लावर्स देखो कितने अच्छे आए हैं। मेरे को इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, बट ये ना हमारा बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है ना, बहुत अच्छा लगता है इन फ्लावर्स को देखकर। और ये है तुलसी का प्लांट, और ये तो हर एक के घर में ना होना ही चाहिए। दूध आ गया, और मैं सबसे पहले ना दूध को बॉइल करने के लिए रख दूंगी। और इसके साथ साथ साइड बाय साइड ये जो बर्तन पड़े हुए हैं ना, इनको अरेंज कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी ना ब्रेकफास्ट का मैं अपडेट देती हूँ। ब्रेकफास्ट का जो मेन्यू, आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैंने ना वेज इडलीज बनानी है सूजी की, तो वो ना चेंज हो गया है मेन्यू आज।
ऐसे है कि ना काफी टाइम से, कुछ दिन हो गए हैं कि मैं हेल्दी ईटिंग ही कर रही हूँ, जैसे स्मूदीज और जो लाइट ब्रेकफास्ट और डिनर रहते हैं ना वही हम लोग खा रहे हैं, लंच में खा लेते हैं कि जैसे दाल रोटी सब्जी वगैरह। तो आज ना मेरा मन नहीं है, पहले तो मैं बैठ ही गई कि मैं क्या करूँ क्या खाऊं, ये सोचने में काफी टाइम लग जाता है। तो अभी मैंने ना फाइनली सोचा है कि, पहले तो मैंने सोचा कि चलो बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ कुछ, फिर मैंने कहा नहीं बाहर का नहीं खाना, इससे अच्छा है ना कि घर पर ही बना लेती हूँ और ये अच्छा भी रहेगा मेरी हेल्थ के लिए। तो अभी मैं अपने लिए तो बना रही हूँ आलू के पराठे, काफ़ी टाइम से ना मेरे को क्रेविंग्स हो रही हैं कुछ अच्छा फूड खाने की। तो जैसे कि आपको पता है कि अच्छा फूड खाने से मूड भी अच्छा हो जाता है और खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं और इन्होंने तो बस वही स्मूदी भी नहीं है, इनके लिए अब मैं बना रही हूँ मैंगो स्मूदी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कि क्या क्या चल रहा है किचन में। अभी ना मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में, और इन्होंने अपना ना अभी रिसेंटली 2 वीक्स हो गए हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है ना, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज की है ना। आप बताओ मेरे सब्सक्राइबर्स को कि कैसे कैसे कर रहे हो, कि आप सिर्फ वेट लॉस के लिए कर रहे हो कि या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना चाहते हो, या आपका ये कुछ टाइम का है, आपका आपने गोल फिक्स किया हुआ है कि आपको इतना ही रिड्यूस करना है, ये सब कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स को आप बताइए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है या ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना होता है, ये सब आपके ना माइंड में होता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब सुबह इसने कहा कि मेरा तो पराठे खाने का मन हो रहा है, मैंने कहा मैंने तो पराठे खाने नहीं है क्योंकि मैंने रिसेंटली 1-2 हफ्ते से जिम जाना शुरू करा है। हुआ क्या था कि जब हमने रेनोवेशन की थी ना घर की, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल मैंने अनहेल्दी चीजें ही खाई क्योंकि घर में जो होता था हम बना लेते थे, टाइम ही नहीं होता था हमारे पास कि हम प्लान करें, यही था। अब मील प्लानिंग इज द बेस्ट पार्ट अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छा एक मेंटेन करना है। तो मील प्लानिंग के लिए टाइम नहीं था तो जो घर में था हम खाते रहे। कई बार क्या होता था घर में कुछ नहीं भी होता था तो हम बाहर से मंगवा के खा लेते थे। हाँ, कुछ वो फ्राइड होता था, कई बार कैसा होता था ना बस। तो अल्टीमेटली उसका क्या एंड रिजल्ट मिला, तुमने भी अपनी हेल्थ गवाई, मैंने भी अपनी हेल्थ गवाई। मेरे को एसिडिटी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम इस बार से ना फिर से होगी है। तुमको एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई और तुम रिसेंटली हॉस्पिटलाइज भी हुई हो। हाँ, उसके बाद फिर मेरे को पिछले वाले हफ्ते में थोड़ी सी हुई थी प्रॉब्लम। तो इसलिए ये चीजें ना आपको खुद के लिए करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना ही पड़ेगा। हाँ। कैलोरी डेफिसिट का क्या मतलब है कि आपको जो आपका कैलोरी इंटेक है वो कम करना ही पड़ेगा। हाँ। अब एक बॉडी का ना BMR होता है, ये इंडेक्स होता है। हाँ। कि आपकी बॉडी एक दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करती है। सपोज मेरा BMR 2000 कैलोरीज का है, तो अगर मैं अपनी बॉडी को 2500, 3000 या 3500 कैलोरीज इंटेक देता रहूंगा तो अल्टीमेटली क्या होएगा, वो फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाएगा। हाँ। और अगर मैंने अपने BMR से कम कैलोरीज बॉडी को दी तो जो मेरी कैलोरी इंटेक है ना वो कम हो जाएगा और मेरा BMR, जो मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है वो ज्यादा हो जाएगी और मेरा फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। हाँ। अब मेरे को तो शुरू से ये है, मैं तो 4-5 साल से अपना ऐसे ही चल रहा था कि मेरे को पता है कि मेरी कैलोरी इंटेक क्या है और मेरा BMR क्या है। हाँ, आप तो पहले जिम जाते थे रेगुलर है ना, ये तो कुछ टाइम से हुआ हमारा ऐसे। मेरा ऑलमोस्ट जब मैंने जिम जाना शुरू करा था तो मेरा वेट हो गया था 80-81। हाँ। तो उसके बाद जब मैंने रेनोवेशन शुरू की घर की तो मेरा वेट चला गया 94। हाँ। तो अब रिसेंटली 2 वीक्स में मैंने 1-2 किलो लूज किया है। ऐसे करना चाहिए कि जैसे ना ये चीज को हम ज्यादा लॉन्ग टाइम तक लेके जाए है ना,
ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए, है ना। अगर आप अपनी हैबिट्स चेंज कर लोगे ना, हाँ। तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप ये क्या ले रहे हो, ये तो टेस्ट ही नहीं है इसमें। 90 सेकंड्स ऑफ टेस्ट और 90 इयर्स ऑफ लाइफ, ये सब आपके माइंडसेट पर है। हाँ, आपने अपना माइंडसेट करना होता है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। हाँ। अगर आपके पास अच्छा लाइफस्टाइल होएगा ना, तो लोग आपको खुद पूछेंगे कि आप कैसे इतने हेल्दी हो, कैसे इतने फिट रहते हो, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं ना जैसे देखती रहती हूँ वीडियोस वगैरह ना, तो मैंने देखा है कि 70-80% लोगों को ना पता ही नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल की क्या होता है ना। वो सुबह उठते हैं, मींस जैसे उनके घर में ना रेगुलरली जैसे रोटी बनती है, सब्जी बनती है, चाय पीते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं पता है कि सुबह उठ के पहले कोई डिटॉक्स ड्रिंक पीनी है, फिर कुछ आलमंड्स वगैरह कुछ सोक करके कोई खाना है, ड्राई फ्रूट वगैरह, है ना। तो वो ना पूरा बस ऐसे ही, है ना, कर ही जा रहे हैं। दोपहर को फिर रोटी खा लेते हैं, रात को फिर रोटी खा लेते हैं। तो हमें तो अब ना तीनों टाइम, हमें लगता है कि अगर तीन टाइम हमने रोटी खा ली है ना, तो पता नहीं हमने तो क्या ही खा लिया है ना। ये ना माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। हाँ। उनके माइंड की ना प्रोग्रामिंग मोनोटोनस हुई पड़ी है। हाँ। कि रोटी ही खानी है, क्योंकि उनको यही नहीं पता कि रोटी के अलावा ऑप्शन क्या है। हाँ, क्या खा सकता हूँ मैं ऐसा कि मैं जो रोटी की जगह पर भी ले लूं और मेरा पेट भी भरा रहे। और वो चीज आती है नॉलेज से। हाँ। वो आपको नॉलेज गेन करनी पड़ती है, नॉलेज कोई देता नहीं है आपको। हाँ, सही बात। फ्री में तो कोई भी नहीं देता, वो आपको गेन करनी पड़ती है। आपको बुक्स रीड करनी पड़ती है, आपको उन बंदों के साथ बात करनी पड़ती है जो इस जर्नी पर है। पर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे ना, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे, तो आपको ना ये सारी नॉलेज जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हम लोग ना ये फ्री में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कोई आपसे ना चार्ज नहीं करेंगे। हमें बस यही है कि हम जो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल हमने मेंटेन किया हुआ है, कि जैसे मैं देखती हूँ कि और लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, टाइम भी नहीं है। हाँ, तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज है ये, मेरे पास टाइम ही नहीं है। हाँ। जबकि अगर आपको बताओ ना, अगर आपको मील कुक करनी है तो आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर लगते हैं। अगर आपको ये स्मूदीज वगैरह बनानी है, या कुछ ओट मील लेनी है, या ओट से मिल्क लेने हैं, या फिर ओवरनाइट सोक्ड ओट्स लेने हैं, तो ये सब चीजों में हार्डली 5-10 मिनट्स लगते हैं। हाँ। पर हाँ, आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। जब तक आप अपना माइंड चेंज नहीं करोगे, अपना टेस्ट डेवलप नहीं करोगे, ये चीज आपको यक लगेगी। पर जब आप अपना टेस्ट चेंज कर लोगे, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग दे दोगे कि दिस इज हेल्दी फॉर मी, यू आर गोना लव इट। ये आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आप रोज मांगोगे सुबह उठ के कि ऐसे करो, मेरे को एक स्मूदी दे दो। सबसे पहले तो मैं स्मूदी का ग्लास पीऊंगा। हाँ, अगर मेरे को भूख लगेगी 2 घंटे बाद, आई लीट अ फ्रूट, आई लीट अ वेजिटेबल, जैसे मैं सैलेड ले सकता हूँ, कुकम्बर का सैलेड ले सकता हूँ, मैं बहुत कुछ खा सकता हूँ, देर आर मेनी ऑप्शन। पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की हुई है। दो चीजें होती है, इधर द एक्सक्यूज और द रिजल्ट। अगर आप एक्सक्यूजेस पे अड़े रहोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अपने एक्शंस चेंज नहीं करोगे, तो डिफरेंट आउटपुट आएगी ही नहीं। जब तक आप सेम एक लाइन पे चले हुए हो ना, वो लाइन एक ही जगह जा रही है, आपको उस लाइन को तोड़ के इंटरसेक्ट करके एक डिफरेंट पाथ बनाना ही पड़ेगा। हाँ। अगर आपको नई डेस्टिनेशन पे जाना है, अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए अपनी लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ हम बोर हो गए हैं, क्या वही लाइफ है, तो इसको डिफरेंट करने के लिए, हैपनिंग करने के लिए, तो आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। चलो अब मैं जाता हूँ अपने ऑफिस। हाँ, ये तो अब लेट हो गया। ये अब अपने वीलॉग को ओवरटेक करेगी फिर से। हाँ। ये बताएगी आपको आज क्या क्या हो रहा है पूरे दिन में। हाँ। बाय बाय फ्रेंड्स, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट आज का। यहाँ पे मैंने एक आलू का पराठा लिया है, और ये जो पराठा है ना, ये मैंने तवे पर घी लगा के नहीं सेका है। जैसे मैंने तवे पर इसको सेक के ना, फिर नीचे उतार के इस पर थोड़ा सा देसी घी लगा लिया। थोड़ा हेल्दी वे में हो जाए तो बेस्ट रहेगा। और इसके साथ ये मैंने पूरा बाउल ना कर्ड का लिया है, और इसके ऊपर डाली है शक्कर। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। बस मैं एक ही पराठा खाऊंगी, क्योंकि अगर क्रेविंग्स हो रही हैं कि कुछ खाना है अच्छा सा, कि मूड ठीक हो जाए, तो इसके लिए तो बस फिर मैं पोर्शन कंट्रोल में ही खाऊंगी। एक अगर खाऊंगी तो पोर्शन कंट्रोल में रहेगा, और इससे ये भी रहेगा कि ज़्यादा कैलोरीज मैंने कंज्यूम नहीं करी है। और फ्रेंड्स,
अगर आपका भी मन करता है ना कभी कभी कुछ खाने का कि अच्छा खाने का मन कर रहा है बट आप वेट लॉस जर्नी पर हो या आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको ये टिप दे देती हूँ, आपका जो भी चीज़ खाने का मन कर रहा है ना आप उसको खाइए, गिल्ट फ्री होके खाइए, बट इन पोर्शन कंट्रोल खाइए। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी खा रही हूँ,